हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रवि प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चैनल के अंदर एक और बार आप सब लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि गोल्ड के अंदर क्या पोजीशन हो सकती है, नेक्स्ट वीक के अंदर हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। जब ये बड़ी गिरावट हुई थी लास्ट वीक के जब अंदर हम मिले थे, तो उस टाइम पे हमने बात की थी कि ये जो है वो हमें नेक्स्ट वीक के अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए। और ये बताया था कि ये लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट जो है वो क्लोजिंग लास्ट डे पर हुआ, ठीक है, फ्राइडे के दिन। ऑलरेडी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रुप के अंदर जो है वो हमारा एक सेल कॉल गोल्ड के अंदर पेंडिंग है और उसके अंदर जो है वो अभी प्रॉफिट में चल रहा है। और ये जो हमारा टारगेट है गोल्ड के लिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है दोस्तों, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला जो हमें लेवल ध्यान में रखना है गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर, वो आपको ये डार्क लाइन जो मैं बता रहा हूँ 48,578, अगर ये लेवल के नीचे गोल्ड ने क्लोजिंग कर दिया दोस्तों, तो फिर इसका जो रोक पाना है बहुत ही मुश्किल होगा। और हम जो है वो बहुत ही स्पीड से दोस्तों एक बार 48,377 और उसके नीचे जो है वो ये लेवल तक जा सकते हैं 47,889 और फिर 47,500। और मेरा मानना ये है दोस्तों कि एक बार अगर ये नीचे चलना स्टार्ट हुआ, 48,500 के नीचे क्लोजिंग किया, तो संभावना बहुत ही ज्यादा है कि फिर हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। फिर जो है वो एक बार हम जो है वो 46,500 तक भी जा सकते हैं और 45,500 के आसपास भी जा सकते हैं। इन शॉर्ट 46,000 के आसपास ऊपर नीचे 200-400 पॉइंट वहां पर जाके देखेंगे। अभी तो वहां इन शॉर्ट आप ये समझिए दोस्तों, जहां पर अभी हम खड़े हैं 48,745, यहां से करीबन 2,500 से 3,000 पॉइंट, ठीक है, अप्रोक्स 3,500 से 3,500 पॉइंट की गिरावट संभव है, ठीक है। 2,500-3,000 आप मान के चलो, उतना पॉसिबल है, गिरावट की बात कर रहा हूं। तो जो भी दोस्त हैं जो शॉर्ट पोजीशन में बैठे हैं उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो भी लॉन्ग कर रहे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना लॉन्ग काट लेना, ठीक है, मैं जिस चीज की संभावना ज्यादा है उसके बारे में आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये लेवल जो है वो हमें ध्यान रखना है 48,578 का। अगर ये लेवल कटता है दिक्कत हो सकती है और बड़ी वाली दिक्कत होगी, ठीक है, बड़ी गिरावट की संभावना गोल्ड के अंदर हमें देखने को मिल सकती है, साथ में सिल्वर के अंदर भी देखने को मिल सकता है। सिल्वर का वीडियो भी आ चुका होगा तो आप वो वीडियो भी देख लेना। अगर आपको ना मिले तो हमारे चैनल के अंदर आप जाओगे तो आपको कॉमोडिटी का एक ग्रुप मिलेगा, उसके अंदर एक प्लेलिस्ट मिलेगा, सॉरी कॉमोडिटी का प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, सारे जो कॉमोडिटी के रिलेटेड है वो आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो वो वीडियो आप वहां से भी देख सकते हो। तो ये दोस्तों हमने बात कर ली गिरावट की संभावना, मुझे लग रहा है बहुत ही ज्यादा है कि हम नीचे गिर सकते हैं, सो बी केयरफुल। अब बात कर लेते हैं ऊपर की तरफ की कि ऊपर टारगेट कौन से रखने चाहिए। टारगेट में दोस्तों नंबर 1 हमारा टारगेट होगा 48,981। ये लेवल के ऊपर जब तक गोल्ड क्लोजिंग नहीं करता है तब तक इसके अंदर संभावना है कि नीचे हम चलते जाएंगे, मतलब नियर बाय हमारा एक एरिया है उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो फिर सीधा लेवल आता है 49,620 का। और फिर अगर हम नीचे जाते हैं, सॉरी ऊपर की तरफ चलते हैं, तो फिर हमारा लेवल आता है 50,122। तो जिनको शॉर्ट करना है उनके लिए मैं SL बता देता हूँ, अगर ये लेवल के नीचे आप शॉर्ट करते हो 48,580 के आसपास, तो आपका SL ये होना चाहिए 49,600। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काट के क्लोजिंग करता है तो वहां से इसको नमस्ते करके वहां से एग्जिट हो जाना चाहिए। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ कट गया
यहाँ पर मैं आपके कन्वीनियंस के लिए थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये दोनों डार्क लाइन जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये दोनों डार्क लाइन में से जिस भी साइड पे क्लोजिंग होगा, जिस भी साइड पे पहले जाएगा, वहां पर ऊपर या नीचे बड़ी गिरावट या बड़ी मूवमेंट, बड़ी तेजी हो सकती है। ओके, तो ये जो भी सेफ साइड के ट्रेडर है वो ये रेंज को अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर साइडवेज है, मैंने बता दिया, ग्रुप के अंदर एक सेल कॉल जो है वो पहले से पेंडिंग है, हमारा MCX का ग्रुप है, 1500 फीस है दोस्तों, वहां पर जो है वो पूरा डिटेलिंग हम जो है वो करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या संभावना है। तो आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा MCX ग्रुप करके। अगर आप फ्यूचर ऑप्शन स्टॉक में काम करते हो तो F&O ग्रुप है, और अगर आप लर्निंग करना चाहते हो ये सारा कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर से जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेबल निकाल रहा हूँ, वो अगर आप खुद फाइंड करना चाहते हो तो उसके लिए ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स भी है, वो भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कुल मिला के दोस्तों गोल्ड के अंदर यही ध्यान में रखना है, 49,620 उसके ऊपर जाके क्लोजिंग करेगा तो ऊपर जा सकता है, अगर नीचे ये जाता है 48,578 तो हमें जो है वो नीचे की तरफ जाना चाहिए, मतलब जहां पर ट्रेंड है उसके साथ काम करोगे फायदा हो सकता है। 50,000 के ऊपर अगर ये निकलता है दोस्तों तो मैं आपको खाली बता देता हूँ ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है 50,700 के आसपास, ठीक है, तो फिर ऊपर की जो यात्रा है उसकी कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये गोल्ड की एक्सट्रीम हमने बात कर ली दोस्तों, एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम मिनिमम कहाँ तक जो संभावना हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये अगर हम वीक की बात करें तो ये 5 दिन के अंदर देखो एक साइड बेस के अंदर जो है वो उसने बिता दिए, खाली जो है वो 1000 पॉइंट में उसने बिता दिया, और ये वीक की बात करें तो 51,850 से लेके सीधा जो है वो उसने 48,000, मतलब ये बड़ी गिरावट हो गई। तो अब मार्केट के मन में क्या है वो किसी को पता नहीं, तो हमने यहाँ पर एक्सट्रीम बात कर ली, मतलब ऊपर मैक्सिमम कितना जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं। अगर आपको ये लेवल याद हो, पता हो, तो आप जो है वो थोड़ा सा समझ सको, इसके हिसाब से काम कर सकते हो, क्योंकि मैं एवरीडे तो वीडियो बनाता नहीं हूँ दोस्तों, वीकेंड पर ही हमारा वीडियो आता है, एवरीडे लाइव मार्केट के अंदर जो है वो हमारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़ते हैं उनके साथ हम काम करते हैं, तो जुड़ना चाहो तो नीचे लिंक के डिस्क्रिप्शन के जुड़ सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल ध्यान में रखने, मेन बात तो वही है दोस्तों, ट्रेडिंग के लिए जो है वो कौन से लेवल हमें ध्यान में लेने चाहिए नेक्स्ट वीक के अंदर, उसकी जो है वो हम चर्चा कर लेते हैं। अगर आप चाहते हो लाइव कॉल MCX के अंदर, जैसे कि नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, सिल्वर एंड गोल्ड, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारा MCX ग्रुप। ग्रुप का जो लिंक है दोस्तों वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड किया है, वो लिंक अगर आप ओपन करोगे तो आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहां पर स्टोर का ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। जो ग्रुप की फीस है दोस्तों वो है ₹1500 30 दिनों के लिए, और ये ग्रुप के अंदर आपको इंट्राडे में जहां पर मौका होगा साथ में पोजिशनल दोनों ही टाइप के जो ट्रेड है वो मिलेंगे। तो आज ही अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वो ओपन करके हमारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों पहला जो हमारा सपोर्ट रहेगा गोल्ड के लिए नेक्स्ट वीक के अंदर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात कर ले तो 48,500 के ऊपर जो है वो हमें ध्यान देना है, ये जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर ये कटा तो जो है वो बड़ी गिरावट की संभावना है, और बड़ी गिरावट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया लगभग 2500 से 3000 पॉइंट से ऊपर भी जा सकते, लेकिन मिनिमम जो मेरा टारगेट है वो है 2500 से 3000 पॉइंट के आसपास का हम जो है वो जा सकते हैं। उसके बाद 48,200 ये जो है वो हमारा फाइनल सपोर्ट रहेगा नेक्स्ट वीक के लिए। अगर फाइनल सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो जाता है उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो 47,970 से लेके लगभग जो है वो 47,525 के आसपास जा सकते हैं। तो ये जो है वो गोल्ड के सपोर्ट है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के टारगेट क्या हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के अंदर उसके बारे में। टारगेट में दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर वन टारगेट के ऊपर 49,000 का लेवल, ठीक है, 49,000 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है। जब तक ये लेवल ऊपर की तरफ जाके सस्टेन नहीं करता है
तब तक जो है वो दिक्कत हो सकती है। फिर उसके ऊपर जो है वो 49,435 के आसपास जो है वो जा सकते हैं। ये जो होगा वो हमारा फाइनल, ठीक है, फाइनल टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए। इसके ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करता है तो हमने बात की वैसे 49,600, मतलब ये 200 पॉइंट के रेंज आप पकड़ के चल सकते हो, 200-300। अगर ये लेवल ऊपर की तरफ काट के सस्टेन करता है, क्लोजिंग करता है, तो हमें जो है वो फिर 50,000 और 50,000 के ऊपर जो है वो जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जो भी सेफ साइड के ट्रेडर है, जो भी न्यू पोजीशन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है वो मेरी एक ही सलाह है कि आप जो है वो वेट एंड वॉच कीजिए, देखिए कि कौन सा जो है वो एक्सट्रीम लेवल चार्ट के ऊपर जो मैंने आपको बताया, कौन सा एक्सट्रीम लेवल नीचे का या ऊपर का काट के सस्टेन करता है, वहां पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली दोस्तों गोल्ड के सपोर्ट MCX प्राइस के बारे में, MCX। अब बात कर लेते हैं डॉलर टर्म प्राइस के बारे में। जो लेवल हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो एक और बार जाके सुनो, कोई भी वीडियो आप सुनो तो 2-3 बार सुनोगे तो आपको जो है वो थोड़ा आइडिया आएगा कि क्या जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शांति से उसको समझिए कि क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा वीक का जो है वो एनालिसिस है, तो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड के सपोर्ट और टारगेट उसकी डॉलर टर्म प्राइस के अंदर। सो नंबर वन सपोर्ट इन गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक इज अ 1810 लेवल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। इफ दिस लेवल कैन ब्रेक एंड सस्टेन बिलो दिस लेवल, देन वी कैन सी फ्री फॉल अराउंड 1798, विच इज अवर फाइनल सपोर्ट फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। एंड आफ्टर ब्रेकिंग दिस लेवल फ्रेंड्स, वी कैन सी फ्री फॉल, सॉरी, फ्री फॉल इन गोल्ड अराउंड 1750 लेवल। ओके, सो अलर्ट आफ्टर ब्रेकिंग 1798 लेवल एंड क्लोजिंग बिलो दिस लेवल, वी कैन सी शार्प फॉल अकॉर्डिंग टू माई चार्ट रीडिंग। सो बी वेरी 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 केयरफुल दिस टाइम इफ गोल्ड कैन ब्रेक दिस लेवल। ओके, देन वी कैन सी 1788 to 1772, एंड देट इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन सी 1750 to 1730 लेवल ऑल्सो। ओके, सो इट्स अ सपोर्ट साइड फॉर गोल्ड। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टारगेट साइड। नंबर वन टारगेट फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक इज अ 1835 लेवल। ओके, 1835 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर गोल्ड फॉर नेक्स्ट वीक। इफ दिस लेवल कैन सस्टेन देन वी कैन सी 1846 लेवल, एंड एज माई पर्सनल ओपिनियन इफ एनी वन वॉन्ट टू बाय गोल्ड एज एन अ फ्रेश पोजिशन, सो बाय ओनली एंड ओनली अबाउट फाइनल टारगेट, एंड आवर एस एल स्ट्रिक्टली एस एल इज अ 1810 लेवल। ओके, इफ एनी वन वॉन्ट टू बाय, एल्स आफ्टर ब्रेकिंग फाइनल सपोर्ट देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट वी कैन सी शार्प फॉल इन द गोल्ड। ओके, सो 1846 विच इज अवर फाइनल टारगेट, इफ दिस लेवल कैन सस्टेन देन वी कैन सी 1855 लेवल टू 1870 एंड 1900 लेवल ऑल्सो। बट मेन थिंग इज 1846 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रेजिस्टेंस एट करंट सिचुएशन फॉर गोल्ड, एंड आफ्टर ब्रेकिंग फाइनल सपोर्ट बी केयरफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आप चाहते हो नेचुरल गैस, सिल्वर, गोल्ड, निकल, कॉपर, क्रूड ऑयल, फ्यूचर स्टॉक में, साथ में कैश में भी, ऑप्शन निफ्टी, बैंक निफ्टी और करेंसी के सारे जो लाइव अपडेट अगर आप चाहते हो, तो जैसे ही आप हमारा ऑनलाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स जो है वो सब्सक्राइब करते हो, तो अगले 3 महीने तक आपको इन सभी के अंदर लाइव मार्केट के अंदर लाइव अपडेट जो है वो मिलते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, सिंपल दोस्तों, हमारा कोर्स सब्सक्राइब करना है। प्राइस जो है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। कोर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। आप जैसे ही लिंक ओपन करोगे आपको एप्लीकेशन के ऊपर ले जाएगा, वहां पर स्टोर का ऑप्शन होगा और वहां से आप जो है वो हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हो, तो उसके साथ साथ 3 महीने तक ये सबके अंदर जो है वो आपको लाइव अपडेट मिलेंगे। तो दोस्तों आज ही फायदा उठाए, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का, लर्निंग भी होगी और साथ में अर्निंग भी होगी।